जय हिंद। मैं आज अपनी बात की शुरुआत उस आधारभूत बात से शुरू करता हूं जो हमारे जीवन में मां के पेट से जन्म लेने के बाद शुरू होती है और उसको नाम दिया गया है चुनौतियां देती हैं जीवन में उत्साह। एक बच्चा जैसे ही जन्म लेता है तो वो अपनी किलकारी से माँ को, डॉक्टर्स को, दाई को और सारे संसार को ये निवेदन करता है, ये कहता है कि मुझे साफ करो, मुझे गंदगी से बाहर निकालो और मुझे इस जीवन में, इस संसार में स्वतंत्र रूप से आने दो ताकि मैं अपनी माता श्री के आंचल का दूध पी के, सूर्य देव का आशीर्वाद लेके, प्रकृति का आशीर्वाद लेके आगे बढ़ता जाऊं। हमारे इस दुनिया के प्रत्येक क्षेत्र में, प्रत्येक धर्म में, प्रत्येक जाति में, प्रत्येक भाषा में, प्रत्येक व्यवहार में चुनौतियां लगातार आती हैं और जो लोग चुनौतियों से डर जाते हैं वे लोग चुपचाप बैठ जाते हैं, शांत हो जाते हैं और एक साधारण से भी नीचे श्रेणी का जीवन जीते हैं। लेकिन जो लोग चुनौतियां देती हैं जीवन में उत्साह, इस बात को अपने मनोमस्तिष्क में, अपनी आंखों में, अपने कानों में बैठा लेते हैं, अपने दिमाग में उतार लेते हैं, उन लोगों के लिए स्वस्थ रहना, मस्त रहना और चुनौतियों को स्वीकार करना संकल्प बन जाता है। अंग्रेजों ने जब इस देश को आजाद न होने की कोशिशें करी तो हमारे अनेकों महान लोगों ने अंग्रेजों की चुनौती स्वीकार करके अंग्रेजों को इस देश से बाहर निकाल दिया, भगा दिया। ठीक इसी प्रकार से जब इस देश को सड़कों की जरूरत पड़ी, सड़कें बनी, जब मोबाइल की जरूरत पड़ी, मोबाइल आए, जब हाई स्पीड ट्रेन की जरूरत पड़ी तो हाई स्पीड ट्रेन आई, जब एसी बसों की जरूरत पड़ी तो एसी बसें आई, जब खेती के क्षेत्र में नया सिस्टम बीजों के माध्यम से, जुताई के माध्यम से, सिंचाई के माध्यम से जरूरत पड़ी तो नई चीजें आई और चुनौतियों को हमने स्वीकार किया। ठीक इसी प्रकार से जब हमारे जीवन में बीमारियां आई, दिमाग में अंधविश्वास आया, जब हमारे दिमाग में अशिक्षा की बात आई तो उन बातों को भी हमने स्वीकार करा और अशिक्षा को शिक्षा में, बीमारियों को स्वास्थ्य में बदलते हुए आगे बढ़ते गए। एक समय था जब इस देश के अंदर खाने के लिए अनाज नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, बात करने के लिए मोबाइल नहीं थे, चलने के लिए सड़कें नहीं थी, चलने के लिए कार, मोटर, स्कूटर, हवाई जहाज, एरोप्लेन, मेट्रो ट्रेन, ट्रेन नहीं थी, चिकित्सा के लिए अस्पताल नहीं थे, लड़ने के लिए शस्त्र नहीं थे, अच्छी एजुकेशन के लिए अच्छे IIT नहीं थे। लेकिन आज जब हमारे महान लोगों ने चुनौतियां स्वीकार करी तो वे चुनौतियां हमारा उत्साह बन गई।
आने वाली पीढ़ी के लिए माइलस्टोन बन गई। और ठीक इसी तरीके से जब हमारे देश के अनेक लोगों ने संकल्प किया कि इस देश को पुनः सोने की चिड़िया बनाना है, तो आज इस देश का नेतृत्व इस तरीके से हो रहा है कि भारत विश्वगुरु बनेगा, सोने की चिड़िया बनेगा। यह भी एक नई अद्भुतता है कि जिस पार्लियामेंट को हम एक लंबे समय से सहसम्मान नमन करते आ रहे हैं, उसी पार्लियामेंट के बराबर में एक नई आधुनिकतम पार्लियामेंट, और ऐसी पार्लियामेंट जिसमें सारी भाषाएं, सारी टेक्नोलॉजी, सारी सुरक्षा और सारी व्यवस्थाएं अंडरग्राउंड होने के साथ साथ ओपन होंगी, और ऐसी ओपन होंगी कि लैपटॉप के माध्यम से हम सब चीजों को देख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहने के लिए बहुत सारी बातें हैं, बहुत अच्छे अच्छे वक्ता यहाँ पे हैं, उनकी बात भी हम सुनेंगे और उनकी महत्वपूर्ण बातों को अपने जीवन में प्रैक्टिकल उतारते हुए उन सब चुनौतियों का हल ढूंढेंगे जो हमें रोकने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन हम उन्हीं चुनौतियों के ऊपर पैर रख के स्टेयर्स बना लेंगे और आगे चले जाएंगे। जय हिंद। टाइजर है आपके साथ, चाहे कोई भी करे व्यापार, बस रेशु से ही करे प्रचार। रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर, रेशु एडवर्टाइजर। मेरे भाइयों वे बहनों, आप सभी को नमस्कार, शुभकामनाएं। इन्फॉर्मेटिव और मोटिवेशनल विचारों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। किसी भी प्रकार के सवाल जवाबों के लिए कमेंट करें और हमारे सभी सोशल मीडिया हैंडल्स को फॉलो करें, जिससे आपका सहयोग हमें जन जन की सेवा करने को प्रेरित करता रहे। सत प्रकाश रेशु अग्रवाल, आप हम सब जय हिंद।